What is the identity elements for the additionals of rational numbers? रेशनल नंबर्स की आइडेंटिटी क्यों आती है भाई? अपने पास जीरो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ए अपॉन बी, या फिर जीरो प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ब्रैकेट माइनस फाइव प्लस थ्री इज, ठीक है, तो इसका क्या आएगा? माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू, इसका इन्वर्स कितना होगा? प्लस टू, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। माइनस टू फर्स्ट में जीरो। विच वन इज नॉट ट्रू ऑफ रैशनल नंबर, तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज नॉट रिजल्ट इज, ठीक है, तो मेन क्या है? नॉट ट्रू रिएक्शनल नंबर क्या है? सब्ट्रैक्शन इज क्यूमुलेटिव, थर्ड ऑप्शन इज राइट। विच इज द विच वन इज ट्रू ऑफ थ्री रिएक्शनल नंबर ए बी सी, तो ट्रू होता ना ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है, इसमें ट्रू कंडीशन है कि दोनों इक्वल्स नहीं होते। नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज फॉर द फ्लोइंग एडिशनल नंबर, ठीक है, तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रॉपर्टीज के नेम बताने, ठीक है, नेम ऑफ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें माइनस फोर अपॉन इलेवन प्लस जीरो इक्वल टू माइनस फोर अपॉन इलेवन, ठीक है, जीरो प्लस माइनस फोर अपॉन इलेवन, कौन सी आइडेंटिटी होती है भी? हमने बी पढ़ा था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स फॉर द फ्लोइंग रेशनल नंबर, तो इन रेशनल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो अपने पास नंबर्स क्या है? माइनस सेवन अपॉन माइनस इलेवन, ठीक है, पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सेवन अपॉन इलेवन, ठीक है, तो माइनस सेवन अपॉन माइनस इलेवन एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जो भी नंबर होता है उसका अपोजिट साइन, तो माइनस के सेवन अपॉन इलेवन, क्या है? माइनस सेवन अपॉन इलेवन, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? कि ए प्लस ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, या फिर ए माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये क्या होती है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर एक्स, मेक द स्टूडेंट्स करेक्टमेंट, ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए फोर्थ, एक्स प्लस माइनस थ्री बाई टू थ्री माइनस टू प्लस सेवन अपन एट, करेक्ट वैल्यूज बतानी है, ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट कब होगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी इसमें, वो चीज़ देखिए, ठीक है,
तो प्रॉपर्टी ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू होता है सी अपॉन डी अपॉन प्लस ए अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए अपॉन बी क्या है, एक्स है, जो कितना है 7/8, तो एक्स इक्वल टू 7/8, तो ये क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया आपने, ठीक है, ठीक इसका सी पार्ट से और सॉरी चलो सीधा आप बोल दोगे क्वेश्चन नंबर 5th, वेरीफाई करने के क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है, फोर अपॉन नाइन एंड माइनस फाइव अपॉन नाइन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ए अपॉन ए अपॉन बी प्लस डी अपॉन ई का प्लस पी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। तो ए अपॉन बी क्या है, रेशनल, सी अपॉन डी भी क्या है, रेशनल, इनका सम भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, फोर अपॉन नाइन रेशनल नंबर प्लस माइनस फाइव अपॉन नाइन, ये भी रेशनल नंबर, इनका सम चेक किया था कितना आएगा, एलसीएम इज नाइन, फोर माइनस फाइव माइनस के 1/9, ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज़ करता है कि टू रैशनल नंबर्स का सम भी क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, एड द फ्लोइंग यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब नंबर्स दे रखा है, थ्री अपॉन फाइव टू 1/3, ठीक है, यूजिंग करनी है कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इक्वल, ए प्लस बी ब्रैकेट सी इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस टू प्लस 1/3, माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस टू प्लस 1/3। हमने सॉल्व किया इसे, एलसीएम लिया कितना गया 5, माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 1/3, माइनस 3 अपॉन 5 प्लस एलसीएम लिया 6, 6 प्लस 1 कितना है, माइनस के सॉरी माइनस के 7/5 प्लस 1/3, माइनस 3/5 प्लस 7/6 एलसीएम 15, 5 से 3 टाइम तो माइनस के 21 प्लस 3 से 5 टाइम एलसीएम 30, 5 से 6 टाइम, 6 से 5 टाइम,
सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 10 माइनस 3 प्लस 7 प्लस के 21, 15 कितना हो गया 26, यहाँ पर 7/24 to get -1/12, ये सब ट्रैक करना। तो नंबर सब हमने किया, नंबर सपोज किया, लेट द नंबर बी एक्स, 7/24 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के 1/12, ठीक है। ट्रांसफ़र किया 7/24 प्लस 1/12 इक्वल टू एक्स, एलसीएम 24, 12 और 24 का एलसीएम कितना गया 24, 24 से डिवाइड 1 टाइम, 12 से 2 टाइम, ठीक है, कितना गया 9/24, 3 की टेबल से कैंसिल, तो नंबर्स क्या गए 3/8, नंबर है वो क्या फाइंड हुआ, 3/8। क्वेश्चन नंबर 9, वार्ड नंबर शुड बी एडेड टू, अब क्या करना है एड करना है, -3/8 टू गेट 4/1। क्वेश्चन 9, द नंबर एक्स, एक्स प्लस माइनस 3/8 इक्वल टू 4/5, ठीक, ट्रांसफ़र किया तो क्या 4/5 प्लस 3/8, 5 और 8 में एलसीएम 40, 5 से 8 टाइम डिवाइड, 8 × 4 = 32, 8 से 5 टाइम 5 × 3 = 15, 32 + 15 = 47/40, तो नंबर्स क्या फाइंड हो गया अपने पास 47/40। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 19 तक आपको सॉल्व करने हैं, फिर जो भी डाउट हो
आप पूछ सकते हो, या फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताएंगे आपको।